अस्सलाम वालेकुम। तो भाई लास्ट व्लॉग जहाँ मैं एंड किया था उसके बाद हम लोग घर आ गए थे, उसके बाद रेस्ट वेस्ट करा और अभी मैंने वो ड्रिंक बनाया है जिस पे मैंने जो है बात करी थी एक दिन पहले वाले व्लॉग में। तो ये ड्रिंक मैंने बना लिया है, आप लोगों के साथ भी इसकी रेसिपी शेयर करेंगे, बहुत रिफ्रेशिंग होता है। हा। तो भाई सीन कुछ ऐसा है, अभी एक प्लान बन रहा है कपड़े चेंज पहाड़ जाने के लिए। मैं आप लोग बता रहा हूँ हम लोग कहाँ जा रहे हैं भाई, यहीं से इस व्लॉग को करते हैं स्टार्ट। वेलकम टू द बैक टू द माय द चैनल दा। तो भाई अब सीन कुछ ऐसा है कि हम लोग जो हैं जा रहे हैं खाना खाने के लिए, और हम लोग खाना खाने के लिए जा रहे हैं मार्दीन ग्रिल, जो कि है एक करके शॉप, और वो है कस्तानियन स्ट्रासे पे, जिसका खाना काफ़ी अच्छा होता है। तो मैंने सोचा क्यों ना उसका एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। और मैं आप लोगों को एक मज़े की बात बताऊं, इस वक्त हो रहे हैं रात के 8:45 यहाँ पे, जो कि यहाँ के हिसाब से बहुत ही रात होती है, लेकिन इंटर के शॉप खुलती है 12 बजे तक। तो चलते हैं वहाँ पर, देखते हैं क्या ऑर्डर करना है। अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर, यहाँ पे मौसम ऐसा ही होता है, और हल्की 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 सी जो है ना वो बूंदाबांदी भी हो रही है। रेवे वो रहा सामने, और यहाँ पे इसकी एंट्रेंस का बोर्ड लगा हुआ है। आप लोगों को थोड़ा सा मैं ये बताता चलूँ कि रेवे और काउफलैंड यहाँ पे रात को 10 बजे तक खुलते हैं, बाकी सारे जितने स्टोर्स हैं ना वो 8 बजे बंद हो जाते हैं, और एक एनपी है वो है यूनिवर्सिटी के पास, वो खुलता है सुबह 6 बजे से रात को 12 बजे तक। तो वहाँ तो और कोई नहीं जा सकता, लेकिन रेवे और काउफलैंड जहाँ जहाँ अवेलेबल है वो 10 बजे तक खुलते हैं, वो भी उनकी हर ब्रांच नहीं बट मेजॉरिटी ऑफ द ब्रांच खुलती हैं 10 बजे तक। इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को चलते फिरते इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि जो है यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम होती है भाई, दुकानें बंद हो गई हैं, बंद हो गई, यूँ नहीं है वूँ नहीं है, क्योंकि 8 बजे ना यहाँ पे बस समझ लो सब बंद हो गया, सोने का टाइम हो गया है। और इस तरह की टर्के शॉप्स वगैरह और बस ये सॉफ्ट ड्रे वगैरह ये खुलता है 10 बजे तक, बाकी भाई फुल पहिया जाम। ऐसे होते हैं यहाँ पे काम, और ये जो मशीन लगी हुई है ये है टिकट लेने की मशीन, तो इसमें आप कार्ड से ही पेमेंट कर सकते हैं और कैश से भी पेमेंट कर सकते हैं, यहाँ पे ये ऑप्शन हैं सारे। ऐसे दबाना है आप लोगों ने बटन इसको बताने के लिए कि भाई रोकना है, खुल गया। अच्छा भाई एक सीन मैं सोचा आप लोगों को बताऊँ, तो भाई देखें यहाँ इस स्टॉप पर हम लोग उतरे, ये है स्टॉप, और हम लोगों ने जाना है वहाँ वो दुकान है उधर जाना है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि भाई हाँ ठप 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 हाथ मार रुक गया, भाई स्टॉप बने में वहीं पे रुकता है, डिसिप्लिन इसी चीज़ की लोगों को आदत है। और अभी हम लोग सिग्नल क्रॉस करेंगे तो वो पैदल चलने वालों का भी सिग्नल है, जब वो खुलेगा ना फिर आप क्रॉस करो। मैं इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, मज़े की बात यह है कि सिग्नल ही ख़राब है, ये देखें आप लोग। और जब ऐसा हो तो ध्यान से आगे पीछे देख के क्रॉस कर लेना, कोई मसला नहीं है। और जब आप सिग्नल क्रॉस कर रहे हो ना तो भाई ये साइकिल का भी ट्रैक है, इसका भी ध्यान रखा करें, आगे पीछे देखा करें कि साइकिल ना आ रही हो। अच्छा भाई तो मार्दीन ग्रिल हम लोग आ गए हैं, और यहाँ पे हम लोगों ने ऑर्डर किया है पिज़्ज़ा और साथ में कोल्ड ड्रिंक, तो यहाँ ऑलरेडी मैं लेकर आ गया हूँ। मैं उसको स्पेशली बोला है कि भाई पिज़्ज़ा जो है ज़रा स्पाइसी रखना, ये मतलब ये हमारे हिसाब से बना देते हैं, काफ़ी अच्छी इनकी सर्विस है। अगर आप इनको बोलो कि भाई स्पाइस ज़्यादा कर देना, या ये वाली जो हरी मिर्च ज़्यादा डाल देना, या रेड चिली पाउडर ज़्यादा डाल देना, ये उसी हिसाब से आपके हिसाब से आपको टेस्ट बना के देते हैं। तो पिज़्ज़ा आता है मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। जब तक पिज़्ज़ा रेडी हो रहा है हम लोग दूसरे मोबाइल में खेल रहे हैं गेम ब्रेन ब्लो, और लेवल नंबर 75 पर हम अटक गए हैं। ये कह रहा है इट्स टू ब्राइट हेल्प द बॉय टू गेट स्लीप, क्या करूँ मैं इसको बोल रहा हूँ कम्बर पहनने पहन ही ना, आँखें बंद कर नहीं कर रहा, घड़ी भी नहीं ली, ये भी पता नहीं ख्वाब में ख्वाब नहीं सोचे जा रहे सब भाई इतना नहीं। अच्छा मैं ब्राइटनेस कम करके देखता हूँ, तब भी नहीं सो रहा ये। अच्छा इसमें ना इसी तरह की हरकतें करनी होगी, आपको दिमाग टेक्निक लगानी है कैसे जो है ना ये सोएगा। क्या है यार ये ऊपर करना, मोबाइल को बंद करते हैं, अब देखता हूँ सोया है नहीं सोया। हेल्प द बॉय टू स्लीप, इसका सेंसर बंद करके देखते हैं, नहीं यहाँ से सब
मैं सो जा मन्ने सो जा। कुछ कहीं से आ भी तो नहीं रहा कभी, घड़ी का टाइम भी चेंज नहीं हो रहा। पता नहीं क्या करना है इसके अंदर। वैसे नहीं, गेम बहुत अच्छा है भाई, आप लोग भी ट्राई करें। इसका नाम है ब्रेन ब्लो भाई। जैसे ही सोल्यूशन मिलता है ना, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। इसका क्या पी रहे हैं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभी पिज्ज़ा तो आ गया, साथ साथ वो भी हो गया। बस ये था मोबाइल की ब्राइटनेस को बिल्कुल आपने 0 पे करना था, तो फिर वो कंप्लीट हो जाएगा। खाना आ गया माशाल्लाह। पिज्ज़ा चेक करें ज़रा, कितना ज़बरदस्त है। ज़रा इसका क्लोजअप ले आप लोगों के मुँह में, मैं पानी तो ले कर रहा हूँ। ओहो, देखें माशाल्लाह माशाल्लाह। और मैंने भाई स्पेशली देखा आपने कितना उसने स्पाइसी बनाया। बोल रहे मैंने इतना स्पाइसी बनाया है कि तुम मुझे भूलोगे नहीं। उसने कह रहे मैंने तुम्हारे लिए इतना स्पाइसी बनाया कि तुम मुझे भूलोगे नहीं। तो भाई इसको करते हैं ट्राई। मैं तो वही डायरेक्ट हाथ से ही खाता हूँ। यहाँ पे बैठ के इनकी सर्विंग भी अच्छी है और ये आपके हिसाब से बना भी देते हैं। इसमें ब्रोकली है, चिकन है, बीफ है। चिकन और बीफ का मिक्स बनवाया है और इनका एक स्पेशल सॉस होता है वो है। प्याज है और हरी मिर्च है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ओहो हो 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 माशाल्लाह माशाल्लाह, मतलब बहुत टेस्टी है। पहले भी मैंने खाया उससे ज़्यादा टेस्टी लग रहा है मुझे। अभी इसने फुल दिल से बनाया अभी। तुम्हें देखेंगे कैसे निकल रहा है। वेरी टेस्टी, लेकर डिलीशियस। उसका एड्रेस जो है शॉप का मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लोकेशन मार्डीबर्ग में मार्दीन ग्रिल नियर कस्टानिया स्टार्ट से। तो हम लोग मिलकर खाना खाते हैं। वक्त भी बहुत मजे का। मैंने बोला क्यों ना आप लोगों को और मैं इंजॉय करवाऊं। बहुत मज़े का पिज़्ज़ा। अच्छा भाई खाना तो खा लिया, बहुत मज़े का था। और ये पिज़्ज़ा था बड़ा पिज़्ज़ा जो हमने खाया, और एक छोटा पिज़्ज़ा हमने पैक भी करवा लिया जिसमें वो बन रहा है। तो हमने कहा दोबारा गेम खेल लेते हैं भाई, हम दोबारा यहाँ पे आके थक गए। ये बोल रहे प्लीज़ स्टार्ट ऑन द टोस्टर। अब भाई इन दोनों वायरों को मिलाना ही पड़ेगा ना, या क्या है पता नहीं क्या सीन है, क्या करना पड़ेगा, कैसे ऑन होगा, सब करके देख लिया मैंने यार। देखते हैं भाई इसमें भी ना, इसमें ना ट्रिक्स हैं। मतलब आपको है ना, ये नहीं है कि जो सीधा सीधा काम करना, मतलब आपने ना तिड़ंगा बाजी लगा रही है उसके अंदर। क्या है यार, रात के 10 बज चुके हैं, हम लोग आइसक्रीम खाने का भी सोच रहे हैं। हम देखें आइसक्रीम मिलती है या नहीं मिलती। अभी जाते हैं सेंटर की तरफ, अगर शॉप खुली हो तो आइसक्रीम खाएँगे। दो नहीं खुली हुई हो फिनिश या ओके नाइन वी हैव इन बी द गेटरिंग के गेनोमेनिया। अच्छा भाई तो पिज्ज़ा हो गया पैक, अब चलते हैं आइसक्रीम की तरफ, देखते हैं यहाँ दुकान खुली है या नहीं खुली। पिज्ज़ा भाई जैसे तैसे करके मैंने बैग में डाल दिया है अपने संदूक में। आप देख सकते हैं सुन सन्नाटा हो रहा है यहाँ पे, ये देखें। और रात की वजह से हमने डिसाइड किया भाई 10:15 हो रहे हैं ऑलरेडी, तो हम लोग घर चलते हैं। क्योंकि फिर 10:30-11 बजे के बाद जो ना ट्राम नहीं चलती, फिर आप उल्टा बस का वेट करो। फजूल में अगर दुकान खुली नहीं हुई ना, तो मुझे पता है कि वो खुली नहीं होंगी। हमें जर्मनी में सब बंद हो जाती हैं 8 बजे 7 बजे। तो ठीक घर ही चलते हैं। एक कोल्ड ड्रिंक ठंडी ठंडी में हाथ में पकड़ा हूँ, तो मुझे कपकपी भी चढ़ रही उसकी वजह से। फिर आप लोग मुझे घर जाके मिलते हैं। और एक सीन ये हुआ है कि जब हम शॉप से निकले ना, हमारी ट्राम हमारे सामने से ही जा रही थी।
अब जो हमारी ट्राम आएगी ना वो आएगी 19 मिनट बाद। ये तो प्रैंक हो गया हमारे साथ। ये है यहाँ पे बाहर निकलने में आपको फुल सुन सन्नाटा मिलेगा। और जो है यार मुझे दूसरी जैकेट पहन के आनी चाहिए थी। ट्राम लेट लेट आती है। अब हमारी ट्राम अभी भी 16 मिनट बाकी हैं। अब एक ट्राम आ रही है उससे बैठ के थोड़ा आगे जाते हैं। समझ में आया पैदल भी चलें कितना चलें ना, काफ़ी लंबा रास्ता है। और जो दूसरी साइड मरना, मैं पता क्या करता हूँ, दूसरी साइड वाली ट्राम होती है ना उसमें बैठ के उस तरफ जाता हूँ। फिर जब पिछले किसी स्टॉप से अपनी ट्राम यूँ आ रही होती है ना उस उतर के ट्राम चेंज कर लेता हूँ। लेकिन अभी वो वाली ट्राम भी है ना 9-7 मिनट बाद आ रही है। मैं सोच रहा हूँ अगले स्टॉप तक वहाँ जाते हैं, फिर 5 मिनट बाद ये वाली ट्राम आएगी इसमें बैठ के उधर चले जाएंगे, फिर वापस से चेंज करके अपनी ट्राम आ रही होगी इसमें बैठ के इधर आ जाएंगे। फिलहाल ये आ गई है बाड़लीवर जी, इसमें बैठ के चलते हैं कस्तानियन तक। आ जाओ भाई आ जाओ, चलो वही चलो। लेकिन इस ट्राम से हम लोग आए हैं और हमने सांप सीधा जाना है। ये ट्राम जो है ना मुड़ जाएगी सीधे हाथ पे। तो लेकिन हम अब आ जाओ, हम अपने घर के अपोजिट डायरेक्शन में अब जाएंगे। यहाँ वाली ट्राम आ रही है 5 मिनट में। अच्छा भाई, तो एक दिन ख़त्म हो गया था वो मैंने डाल दिया बैग में। एक दिन ले रहा मैंने यहाँ पर खा दिया, ये बराबर ज़्यादा हिलना जुलना नहीं है, इसलिए मैं अपने साथ सारे लेकर आया भाई। अब हम सर्दी से अपने आप को बचाते हैं। ढकी हमारी घर थक गए भैया आज तो यार, गलती कर दी जाएगी। आपके महीने पहले अब आ रही है ट्राम 2 मिनट में, हमारी ट्राम आएगी 12 मिनट में। तो हम जो 2 मिनट में ट्राम आ जाएगी ना उसमें बैठ के उधर जाएंगे, उधर जाते रहेंगे। जब मैं उस तरफ के स्टॉप का टाइम देखता रहूँगा जैसे हमें लगेगा हाँ भाई हमें स्टॉप पे उतरना है, हमारी ट्राम आ रही है, हम उतर के क्रॉस करके उधर चले जाएंगे, ट्राम में बैठ के उधर चले जाएंगे। कैसा तो भाई 12 मिनट तक एक ही जगह खड़े होने से सर्दी में बेहतर है कि आप अपने दूसरी डायरेक्शन की ट्राम में बैठ जाओ और उस तरफ देखते रहो। जैसे ही आपकी ट्राम आ रही हो ना उस तरफ पहले स्टॉप पे किसी करीब में उतर के चेंज कर जाके बैठ जाओ। तो भाई देखें इस वाली ट्राम से हम लोग उतरे हैं, ये उधर जा रही है, हमारी ट्राम वहाँ से आएगी। और देखें इस वाले स्टॉप पे कितनी देर में आ रही है, इन 2 मिनट्स। इस तरीके से करता है आपका भाई। और देखें सर्दी से भी बच गए, टाइम भी पास हो गया। वहाँ पर अभी तक हम खड़े रहते हैं, ये ट्राम अभी 2 मिनट में यहाँ आ रही है, फिर और 6 मिनट में वहाँ पहुँचेगी, हम वहीं खड़े रहते हैं। तो वह साथ खड़े ट्राम में तो बैठ जाएंगे ना, फिर ये अपने स्टॉप पे उतारेगी, चल के घर चले जाएंगे। सर्दी से भी बचत हो गई और फजूल का खड़े रहने से भी बचत हो गई। तो भाई ये देखें हमारी ट्राम आ गई है, बैठ के चलते हैं, आ गई है ट्राम। वाली टोस्टा वाला गेम दोबारा करके देखते हैं, करना है इसके अंदर यार, पता नहीं क्या है यार, दिमाग की दही हो रही है मेरी। अच्छा भाई तो घर पहुंच गए हैं, बहुत थक गए हैं, चेंज कर लिया है, तकरीबन 11:30 बजे। तो भाई इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करूंगा और कोशिश करूंगा आप लोगों को टोस्टर वाले का सोल्यूशन बताऊं नेक्स्ट व्लॉग में। और अपना बहुत ख्याल रखें, अपने आसपास के लोगों का बहुत ख्याल रखें। अगर वीडियोस पसंद आ रही हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा, बाकी आप लोगों की मर्ज़ी है, इंजॉय करें। अल्लाह हाफिज़।